बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी ओरिंग चिकन, बहुत ही आसान रेसिपी बताऊंगी। ये मेरी फ़र्स्ट रेसिपी है। ऐसी चीज़ें हैं जो घर में मौजूद होती हैं। इसको आप चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं और स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें। चलें जी, अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आधा किलो चिकन लिया है, चिकन ब्रेस्ट। इसके इस तरह लंबे लंबे स्ट्रिप काटे हैं। ये काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, दड़ा मिर्च और सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून और ऑरेंज कलर 1 चुटकी, लेमन जूस 2 टेबल स्पून, ऑरेंज जूस 4 टेबल स्पून। हाफ ऑरेंज लिया था, उसका जूस निकाला है। चिकन को बाउल में डालेंगे। नमक डालेंगे, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, इन तीनों चीज़ों को डाल के मिक्स करेंगे पहले अच्छी तरह से। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बाकी सारे मसाले बाद में डालने हैं। दड़ा मिर्च और सुरह मिर्च, गरम मसाला पाउडर, सोया सॉस, काली मिर्च पाउडर, सब डाल के इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करना है, मसाले सारे चिकन को लग जाएं। अब कलर डालना है इसमें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये देखिए कितना प्यारा कलर आया माशाल्लाह। इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे मैरिनेट करने के लिए। आधे घंटे के बाद आपको मिलते हैं। चलें जी, आधा घंटा हो गया है, चिकन को निकाला बाहर। पैन को चढ़ाएंगे चूल्हे पे। इसमें डालेंगे ऑयल। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है। कोई सा भी तेल ले सकते हैं ऑयल, सरसों के तेल के अलावा। चिकन को डालेंगे पैन में, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रखेंगे। ये देखें चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। पानी खुश्क होने तक पकाएंगे इसको। चलें जी, पानी खुश्क हो गया है इसका।
माशाल्लाह हमारा चिकन बहुत प्यारा लग रहा है। अब इसको प्लेट में डालेंगे सर्व करने के लिए। माशाल्लाह चिकन तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, खाने में भी बहुत मज़े का है। माशाल्लाह जी, जिस तरह देखने में प्यारा लग रहा है, खाने में भी बहुत मज़े का है। इसे ज़रूर ट्राई करना अपने घर में, अपने बच्चों को बना के दीजिएगा। इसको केचप के साथ सर्व करें। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।